दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, कोलकाता से लेकर पटना तक किस तरह से असर देखने को मिल रहा है। आक्रोशित हैं जो तमाम डॉक्टर्स हैं, स्पेशली अगर हम यहाँ पर महिला डॉक्टर्स की बात की जाए, वो ट्रेनिंग डॉक्टर्स जो सुरक्षा को लेकर सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा का क्या, ऐसा एक प्रोटोकॉल बनाया जाना चाहिए, वो सेफ्टी की मांग करते हुए यहाँ पर नजर आए। साथ ही ये भी कि जब उनकी शिफ्ट ओवर हो जाती है तो फिर उसके बाद उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है, तो उन्हें वहीं पर ही आराम करना होता है, तो वो तमाम चीजों को बताते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन क्या क्या मांग और इसके अलावा है, आइए फटाफट से उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। कोलकाता दरिंदगी केस की सीबीआई जांच हो, ये साफ तौर पर ये जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो कहते हुए नजर आए। दूसरी मांग उनकी ये कि पीड़ित के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। तीसरी जो बड़ी मांग थी वो ये कि जांच की जानकारी रोजाना साझा होनी चाहिए। क्या कुछ खुलासे होते हैं, जिसके लिए ममता बनर्जी भी कह रही थी रविवार तक का वक्त दिया गया। चौथी मांग जो है वो ये कि डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और एक सुर में दिल्ली से लेकर चाहे हम लखनऊ तक बात करें, कोलकाता से लेकर चाहे हम पटना तक बात करें, वो इसी तरह से ये गूंज सुनाई देती है। लेकिन आइए हम आपको ये सुनाते हैं कि जो LNJP अस्पताल के MD हैं, वो इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, वो इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने और फोडा ने हमें नोटिस दिया है कि वो OPD सर्विसेज में शामिल नहीं होंगे, और हमने विशेष व्यवस्था की है, सीनियर डॉक्टर्स को हमने ड्यूटी पे लगाया है। इसके साथ साथ जो हमारी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो नियमित रूप से अभी चल रही हैं, उसमें जो भी पेशेंट इमरजेंसी के हैं वो अटेंड हो रहे हैं, और हमने एक्स्ट्रा टीम इमरजेंसी में लगाई है। पर हमने इस घटना के बाद कल रात को भी, मैंने 11 से 12 के बीच में मिडल ऑफ नाइट में मैंने पूरा राउंड लिया अस्पताल में, और हमने हमारे जो गार्ड्स हैं वो चेक किए कि कहीं गार्ड्स कहीं पर कोई लापरवाही तो नहीं बरत रहे हैं, और वो सारा हमने सिक्योरिटी को बीफ अप किया है, और हमने दिल्ली पुलिस के टीम के साथ भी मीटिंग की है, इस तरह का जो सिक्योरिटी है वो लैप्स ना हो। तो आपने सुना कि LNJP के जो MD है वो क्या कुछ यहाँ पर कह रहे हैं, जब हमारे सहयोगी वहाँ पर पहुँचते हैं वो क्या कुछ वहाँ पर देखते हैं, क्या कुछ बता रखे हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। शर्मनाक घटना जो हुई है कि एक डॉक्टर को जो है उसी के कॉलेज में पहले रेप किया जा रहा है, फिर उसके बाद उसका मर्डर किया जा रहा है, तो कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं है। वी वांट कि सब कुछ जो है, जो जितनी भी ट्रायल्स चल रहे हैं वो सारे फास्ट ट्रैक हों, बेटर सिक्योरिटी हो, एंड एटलीस्ट फीमेल डॉक्टर्स को एक सेपरेट DDR दिया जाए। अगर हम अपनी वर्क प्लेस पर सेफ नहीं फील करेंगे तो हमें इस प्रोफेशन में आने में बहुत हम अपने जूनियर्स को बोल नहीं पाएंगे कि आप डॉक्टर्स बनो, हमें बहुत डर लगेगा उनको बोलते हैं कि हम अपनी वर्क प्लेस पर सेफ नहीं फील करते। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार फीमेल और मेल दोनों डॉक्टर्स, सारे तरह के डॉक्टर्स के लिए सेफ्टी प्रोविजंस करें। इट इज़ एक्सट्रीमली शेमफुल कि हमारी कंट्री में, विच इज़ सपोज टू बी सो डेवलपिंग एंड सो प्रोग्रेसिव, अभी भी डॉक्टर्स को बेसिक राइट्स लाइक सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशन, फर्स्ट हैंड एमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए इतना हल्ला करना पड़ रहा है। इस चीज़ में एक निष्पक्ष जांच हो, जैसा उनकी भी मांग है, और हमें लगता है कि इसमें कोई सेंट्रल एजेंसी आए जो सरकार बोले सेंट्रल एजेंसी को आने से, उस वजह से होगा। हमें पता है ममता बनर्जी ने जी इस चीज़ की सिफारिश करी है, पर हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो। वहाँ के प्रिंसिपल ने एंड इवन द पुलिस, दे डिड नॉट शो द सपोर्ट एंड दे वर लाइक टू दे वर ट्राइंग टू बरी द फैक्ट कि भाई वहाँ पे कुछ हुआ है। सेकेंडली, वी वॉन्ट कि वहाँ का जो प्रिंसिपल है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एक्सेप्ट करे ये चीज़ हुई है, और एंड वी वॉन्ट अ प्रॉपर इंक्वायरी ऑफ द CBI। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट शो करती है या फिर इस डायरेक्शन में हमें लगता है कि इज देयर एनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, तो वी कैन थिंक टू कॉल द स्ट्राइक, पर अभी तो सरकार की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो ही नहीं हुआ है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेजर इशू सिक्योरिटीज़ का ही हो रहा होता है, ठीक है, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा होना ज़रूरी है, और इट्स नॉट फॉर फीमेल ओनली, इट्स फॉर मेल्स ऑल्सो, क्योंकि कभी भी कुछ भी रैम्पेंट हरकत हो जाती है, कोई भी आके डॉक्टर्स को अटैक भी कर जाता है, और फीमेल रेजिडेंट्स के साथ और इशू हो जाता है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं वो तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर, और इसी पर और विस्तार से जानकारी हम लेते हैं, क्योंकि देखिए असर तो खास तौर पर अगर हम सुबह से ही देखें तो तमाम वो सर्विसेज जो हैं वहाँ पर उसका असर दिखाई दिया, OPD से लेकर तमाम ऑपरेशन थिएटर्स की अगर हम बात करें, उन सुविधाओं की बात करें। कोमल मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रियंका मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, अंजलि मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं प्रियंका का यहाँ पर रुख करती हूँ। प्रियंका, अगर अब तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो
क्योंकि देखिए ये जो कोलकाता से उठी आवाज, वो जो गूंज है, वो पूरे देश भर में अब सुनाई दे रही है। लेकिन वहां अभी क्या हालात हैं, क्योंकि यहां का ये कोई पहला मामला नहीं है, शिकायतें इससे पहले भी हुई हैं, विवाद इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन स्थिति जस की तस रही है। बिल्कुल, देखिए हम उस जगह पर हैं जहां पर अब से कुछ देर पहले प्रदर्शन हो रहा था, और आप बता रही हैं इससे पहले संदेश खाली का जिक्र होता है, वहां पर भी महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता होती थी, घरों के अंदर से नेता आते थे और महिलाओं को ले जाते थे। लेकिन यहां जो डॉक्टर के साथ हुआ है, जिसे आप अपने शो में बता रही हैं कि धरती पर भगवान कहा जाता है, बिल्कुल वही भगवान जो है मरीजों को जिंदगी दान करते हैं, उनको बचाते हैं मुश्किल समय में। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी जिंदगी की सुरक्षा के लिए लगातार मांग उठा रहे हैं, लगातार वहां धरने पर बैठ गई, बहुत ही हैरान करने वाली बात है, अचंभित करती है। देखिए इन्हीं मोटी किताबों को पढ़कर वो लेडी डॉक्टर बनी थी इतनी मेहनत से लगातार, लेकिन वो नाइट ड्यूटी भी कर रही थी, और उस नाइट ड्यूटी के दरमियान कैसे उसे सेमिनार हॉल के भीतर पूरी तरीके से दरिंदगी की जाती है और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। बहुत ही शर्मनाक, हैरान, बिल्कुल शर्मनाक है, बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। प्रियंका आप बने रहिए मेरे साथ, जरा मैं कोमल का भी रुख करती हूँ। कुछ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कुछ ट्रेनिंग डॉक्टर्स के साथ इस वक्त कोमल वहां पर मौजूद हैं। कोमल देखिए ये मांग तो उन्होंने यहां पर रख ली है, कितना अब क्या वो सुनी जाती है किस तरह से, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की शिकायतें आई हैं, लेकिन क्या कुछ हुआ उस मामले पर? बिल्कुल देखिए इस पूरे मामले को लेकर के देखिए इंसानियत को शर्मसार करने वाली पूरी वारदात है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स लगातार देखिए सुबह से ही मांग कर रही है, न्याय की मांग कर रही है, लेकिन हमेशा इस तरह की तस्वीरें आती ही रहती है। क्या लग रहा है आप लोगों को, न्याय मिल पाएगा? आक्रोश साफ तौर पर आप लोगों की आंखों में देखने को मिल रहा है, तख्तियाँ लेकर के हैं, लग रहा है न्याय मिलेगा? न्याय मिलना ही होगा, क्योंकि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हर बार यही होता है, हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है, हमें झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, तो इस बार हम झूठे आश्वासन से नहीं मानने वाले, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं, ये एक महिला सुरक्षा का मामला है। एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इतना घृणित, इतना भयावह दुष्कर्म किया गया है। आप सोचिए उस माँ बाप के बारे में जिसने एक लड़की बड़ी की, एक गरीब माँ बाप जिसने उसको पढ़ाया, और वो ऑन ड्यूटी पेशेंट देख के आई थी, उसने ड्यूटी डॉक्टर रूम में वो गई रेस्ट करने के लिए, उसके साथ इस तरह की घटना हुई है। तो एक डॉक्टर अगर अपने अस्पताल कितना सुरक्षित महसूस कर रही है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है ये, कहीं ना कहीं ये सोसाइटी का, हम किस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं और कैसे दरिंदे लोग हैं, जो एक लिटरली एक घर, मतलब वो हमारा दूसरी घर की तरह है, एक मतलब जी बिल्कुल ठीक कहा कि वो सेकंड होम है, बिल्कुल। लेकिन उस घर में अंजलि इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, यही कारण है कि अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक्शन की मांग कर रहे हैं, उस प्रोटोकॉल को बनाने की मांग कर रहे हैं। अंजलि बिल्कुल, और ये मांग कर रहे हैं क्योंकि जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो मीटिंग के लिए गए हुए हैं, हमारे साथ आरडीए के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं शुभम, डॉक्टर शुभम। डॉक्टर आप मांग कर रहे हैं, आखिर क्या इस प्रोटेस्ट के जरिए मांग रखना चाहते हैं? हमारी बहुत ही सिंपल डिमांड्स हैं। पहली दो डिमांड जो हमारी हैं वो है इन सपोर्ट ऑफ आवर फेलो रेजिडेंट्स आरजीकर हॉस्पिटल की, कि पहले तो इस दर्दनाक घटना की एकदम ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी कल्प्रिंट्स है उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए, एक तो ये, और दूसरा है कि जो भी अथॉरिटीज जो इस केस को मतलब कुछ पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं उनका रेजिग्नेशन। उसके अलावा हमारी जो डिमांड है वो है कि एक तो हमारे सारे हॉस्पिटल्स में, इंडिया के पूरे हॉस्पिटल्स में सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ाई जाए, सिक्योरिटी गार्ड्स का नंबर बढ़ाया जाए, सीसीटीवी कैमरास बढ़ाए जाए सेंसिटिव जगहों पे, जैसे ओपीडी, इमरजेंसी एंड वार्ड्स, इन सब जगहों पे बढ़ाया जाए। और एक हमारी डिमांड है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स, जो कि बहुत ही सालों से गवर्नमेंट से हमेशा हमें आश्वासन मिलता है कि ये एक्ट जल्दी लागू होगा, लेकिन ये बहुत सालों से पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा है, उस पर अभी कुछ भी नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया अंजलि आपका भी।